इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जहां एक देश एक कानून को लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने है, समान नागरिक संहिता में देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा जिसमें धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आम जनता से जब इस पर बात की गई तो उनका नज़रिया इस पर किस तरह का था कि ये कानून कितना फ़ायदेमंद है या फिर किसी को नुकसान पहुंचेगा, ऐसे में जनता की क्या राय है, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है इस मामले पर। कानून तो एक हिसाब से देखिए सही है, पर इस कानून में सभी धर्मों की, विशेषकर सभी धर्म के लोगों की राय लेनी चाहिए और उसके बाद इस कानून को पारित करना चाहिए। क्या लगता है कि राजनीति लाभ के लिए तो नहीं है? ऐसी संभावना तो दिखती नहीं, परंतु ये भी संभावना बनती है। परिचय बता। नीरज सिंह। देखिए, हमारा जो देश है वो तो सर्वधर्म को मानने वाला देश है और ये बात बिल्कुल सही है कि हम जिस देश में रहते हैं, किसी भी धर्म जाति के समुदाय के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, हमारा एक नियम होना चाहिए, सबको एक जैसे अधिकार होने चाहिए। तो इसलिए मेरी समझ से बहुत ज़रूरी है कि देश में एक नियम लागू हो सभी धर्मों के लिए, सभी वर्गों के। क्या लगता है कोई राजनीतिक लाभ के लिए तो नहीं है? नहीं, राजनीतिक लाभ का तो बस ये है कि देखिए कि सभी दल अपनी अपनी ओर से अपनी बातें करेंगे, लेकिन जो नियम तो वो देश के हित के लिए बनाए जाते हैं। तो जो सबको इस पॉजिटिव सोच के साथ ये चलना पड़ेगा कि हमारे देश के लिए और वर्तमान को देखते हुए, इस सांप्रदायिकता को देखते हुए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश में एक नियम सभी लोगों के लिए लागू करें। क्या नाम है आपका? मैं DP गर्ल्स इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हूँ। मेरा नाम है सीमा गुप्ता। कानून एक व्यवस्था लागू किया जा रहा है, कितना सही फैसला है सरकार का? ये मोदी जी का बहुत सही फैसला है, ये आगे चल के सभी को बहुत इसका लाभ और फायदा होगा। क्या लगता है, राजनीतिक फायदे के लिए तो नहीं है? ये राजनीतिक फायदे के लिए नहीं है, जन फायदे के लिए किया जा रहा है। परिचय बता दें। साइंसर पांडे। मोदी जी का 100% फैसला एकदम सही है, एक देश एक कानून के ऊपर, क्योंकि इसकी ज़रूरत भारत को है। क्या लगता है राजनीतिक लाभ के लिए तो नहीं है? अब राजनीतिक लाभ ये देख आप देख लीजिए, चाहे वो जनता का लाभ देख लीजिए, अब इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। परिचय बताइए। परिचय। संगम नगरी प्रयागराज में जहां जीवन एक्सप्रेस इंग्लिश डेली पेपर के 16वें स्थापना दिवस पर हिंदुस्तान एकेडमी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय शामिल हुए, तो साथ ही विशेष अतिथि के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक शामिल हुए और यहाँ पर कई पत्रकार व समाज सेवी भी शामिल हुए। तो वहीं समाज सेवी और पत्रकारों को उनके उत्कृष्ट कार्यों को लेकर जीवन एक्सप्रेस की ओर से सम्मानित किया गया, साथ ही आने पत्रकारों के भविष्य और उनके जीवन को लेकर भी यहां चर्चा की गई। ऐसे में यहां पर कई समाज सेवी और कार्यकर्ताओं ने यहां पर शामिल होकर जहां कार्यक्रम में भाग लिया, तो वहीं अखबार के संपादक अनुपम शुक्ला ने भी सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रयागराज से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक जीवन एक्सप्रेस समाचार पत्र का आज 16वां स्थापना दिवस समारोह था, जिसमें तमाम शहर के नामी गिरामी पत्रकार भी आए हुए थे और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय जी थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उसके पश्चात सरस्वती वंदना हुई। सरस्वती वंदना के पश्चात जो है कई वक्ताओं ने अपने वक्तव्य रखे और हिमांशु शेखर उपाध्याय जी ने कई पत्रकारों को सम्मानित भी किया। अनुपम शुक्ला, संपादक जीवन एक्सप्रेस। दिनों चतुर्मास चल रहा है, ऐसे में साधु और सन्यासी कहीं बाहर नहीं जा रहे, वे मठों और आश्रमों में पूजा पाठ और प्रवचन के जरिए देश में समृद्धि मंगल कामना कर रहे हैं। और खास बात यह है कि सावन का महीना है और सावन के महीने में कई जीव जंतु जन्म लेते हैं और सनातन धर्म अहिंसा का कोई काम नहीं होता है, ऐसे में कोई भी जीव जंतु पैरों के नीचे दबकर हिंसा का शिकार ना हो, इसलिए एक दर पर साधु संत पूजा पाठ कर ध्यान करते हैं, 4 महीने तक कहीं बाहर नहीं जाते हैं। बता दें, संगम नगरी प्रयागराज के टीकर माफी आश्रम में धर्म का प्रचार प्रसार और प्रवचन के जरिए लोगों को सद्मार्ग और प्रेरित करने के लिए संत महात्मा इन दिनों पाठ आश्रम में ही रहकर धर्म का कार्य कर रहे हैं। चतुर्मास होने के कारण वैदिक रीति रिवाज के तहत संत और महात्मा यहाँ ठहरे हैं और
वे 16 सितंबर तक यहां रहेंगे। प्रयागराज में मठ आश्रमों में इसी तरह धार्मिक गतिविधियां हो रही हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है हरि चैतन्य जी महाराज का कि भगवान राम ने वनवास के दौरान किस तरह चतुर्मास में व्रत किया था, आइए दिखाते हैं आपको। चतुर्मास व्रत हम अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं, इसलिए करते चले आ रहे हैं कि हम अहिंसात्मक व्रत का व्रत लेते हैं। कोई हमसे हिंसा ना हो, हम सनातन धर्म के साक्षी हैं। सनातन धर्म में कहीं भी हिंसा का अर्थ नहीं है। ऐसी स्थिति में अनादिकाल से यह चातुर्मास व्रत संत महापुरुष करते चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि भगवान राम ने भी अपने वन यात्रा में भगवती सीता की खोज में जब वो गए थे, उस समय उन्होंने जिस दिन से हरशयनी एकादशी हुई, बरसात प्रारंभ हुई, उस दिन से भगवान राम अपनी यात्रा को स्थगित कर दिए। 4 महीना हुए भगवती सीता की खोज में नहीं गए। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने अपने समय द्वारिका में संत महापुरुषों का चातुर्मास व्रत कराया था। ऐसी स्थिति में अनादिकाल से सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में बड़े बड़े संत महात्मा, साधक, गृहस्थ, विरक्त सबके लिए चातुर्मास व्रत का नियम है, वो करते रहते हैं, करना चाहिए। आज जो बरसात होती है उसमें अंडज, पिंडज, श्वेतज, जलचर, नश्चर, तपचर, प्राणी मात्र जितने भी जीव हैं उद्भिज होते हैं। यह कहीं पसीना से पैदा हो जाते हैं, कहीं जल से पैदा हो जाते हैं, कहीं मिट्टी में पैदा हो जाते हैं। उसमें हमारे पग के तलवे से हिंसा न हो, इसको बचाते हुए हम अपने को सुरक्षित रखने के लिए चातुर्मास व्रत का पारण करते रहते हैं। नगरी प्रयागराज में जहां मोनू हत्याकांड में 17 साल बाद फैसला आया है, 17 साल बाद जहां मोनू हत्याकांड के आरोपी अर्जुन पारसी को सज़ा सुनाई है, जहां संतोष राय की कोर्ट ने जहां सज़ा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। ऐसे में जहां जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाबचंद अग्रहरी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से हुई है सज़ा। ये मामला दिनांक 14/7/2006 की शाम 8 बजे की ये घटना है। इसमें अभी अर्जुन पारसी अपने सह अभियुक्तों के साथ मृतक भोनू को उसके घर से सुलह समझौता कराने के लिए ले गए और मारपीट करके नायलॉन की रस्सी से उसकी गला दबा करके हत्या कारित कर दिए और हत्या करने के बाद उसकी लाश को रेलवे लाइन में फेंक दिए, जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए। और इसमें यह मृतक की लाश फूलपुर रेलवे स्टेशन के पास जब पाई गई तो इसमें वादी ज्ञानचंद व उसके परिजनों ने शव की शिनाख्त किया और इसमें वादी ज्ञानचंद द्वारा FIR थाना थरवाई में पंजीकृत कराया गया था। इसमें अभियोजन द्वारा कुल 10 गवाह प्रस्तुत किए गए और इसमें माननीय न्यायालय DJ इलाहाबाद श्री संतोष राय द्वारा अभियोजन यानी मुझे व अभियुक्त के अधिवक्ता को सुन करके आज की तिथि निर्णय में नियत की गई थी और इसमें आज माननीय न्यायालय DJ इलाहाबाद श्री संतोष राय द्वारा अभियुक्त अर्जुन पासी को अंतर्गत धारा 302/34 IPC में आजीवन सश्रम कारावास व 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया और अर्थदंड न देने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास दिया गया। इसी प्रकार से 201 IPC में अभियुक्त अर्जुन पासी को 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया और इसमें जो अभियुक्त अर्जुन पासी को जो अर्थदंड से दंडित किया गया उसमें से 90% मृतक के भाई वादी ज्ञान चंद्र को अंतर्गत धारा 357 CRPC के तहत दिया जाएगा, यह आदेश उन्होंने पारित किया है। और ये घटना जो है क्योंकि अर्जुन पासी को शक था कि मृतक का उसकी बहन से अवैध संबंध है, इसी को लेकर के
मृतक की निर्मम हत्या कारित की गई। मैं गुलाब चंद अग्रेजी, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रयागराज। धन्यवाद। सारी में सारी विद्युत विभाग के एक क्लर्क का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विद्युत विभाग के क्लर्क जहां कंज्यूमर से बदतमीजी करते नज़र आ रहे हैं, जहां कई बार कंज्यूमर अपनी शिकायत और समस्या को लेकर बिजली विभाग का चक्कर लगा रहा है। ऐसे में करंदीपुरम कसारी मसारी के बिजली विभाग के क्लर्क ने जहाँ उसके साथ बदतमीजी की, कहा कि इस गार्ड साहब इसे बाहर निकालो और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो। कस्टमर से इस तरह से बात करते हुए नज़र आए क्लर्क साहब, जहां उन्होंने कहा कि जिससे शिकायत की थी करना हो कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे में कंज्यूमर को धमकाते दिखे जहां बिजली विभाग के क्लर्क। अब देखना होगा इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है, या फिर इसी तरह से ये लोगों को धमकाते रहते। वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। क्यों बाहर जाएं? काम से आया हूँ। इनको बाहर कराओ, दरवाजा बंद करो, इनको निकालो, निकाल हाँ निकालो निकालो वहाँ अधिकारी बैठते हो। मैं आप कह रहे हैं शिकायत किया, इसलिए काम नहीं करूँगा। आपके अधिकारी बैठते हो, शिकायत कीजिए उनसे, जाइए। काम नहीं करेंगे, शिकायत किया तो काम नहीं करेंगे। रोज दौड़ा रहे हैं हमको, कितने दिन से दौड़ा रहे हैं आप? आप जाओ कहाँ जाए, काम करिए, मेरा काम करिए, शिकायत करो जाके जाओ ना, काम करिए ना, काम करिए, शिकायत करो जाके। क्या हो गया, मुझे बाहर करिए। नहीं, हम बाहर क्यों करेंगे सर? वो कह रहे हैं ना साहब, आपके बाहर करिए, बाहर जाओ, मैं कह रहा हूं धीरे बोलिए, बाहर जाइए आप यहां से, धीरे बोलिए। बाहर जा रहा नहीं, जा रहे हैं। क्या करोगे? बाहर जा रहा, क्या करोगे? झगड़ा कर रहे हो, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारा कर्जा खाया हूँ, काम से आया हूँ, ऑफिस में काम से आया हूँ, आप कैसे कह रहे हैं बाहर चलिए? नगरी प्रयागराज में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव के तीसरे दिन समापन कार्यक्रम रात्रि के 2 बजे संपन्न हुआ। समापन कार्यक्रम में शिविर संयोजक लालू मित्तल, उनकी पत्नी श्वेता मित्तल ने गुरु देव कमलेश्वर आनंद और ब्रह्म प्रिय नम्रता कमलिनी जी को समस्त नगरवासियों में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से अंगवस्त्र पहनाकर और स्मृति चिन्ह के रूप में उपहार भी धरती पर पधारे नए सदस्य ब्रह्मदेव प्रभु के लिए अर्पित किया। रात्रि 1 बजे से दीक्षा का कार्यक्रम, जिसमें अनादि अनंत ब्रह्मा सिद्ध दीक्षा और कायाकल्प साधना दीक्षा शिष्यों ने ग्रहण की। तो वहीं गुरुदेव ने बताया कि सनातन धर्म में आप मां लक्ष्मी को सिद्ध कर सकते हैं, जिस प्रकार महर्षि विश्वामित्र ने मां लक्ष्मी को मंत्रों के माध्यम से बाध किया था, जब चाहते थे स्वर्ण वर्षा करा लेते थे। ऐसे में कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए, जहाँ उन्हें सम्मानित भी किया गया। नगरी प्रयागराज में आज उस समय विवाद हो गया जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर और वहां पर सुरक्षा कर्मी टेंट को हटाने लगे। बता दें जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर गांधीवादी अहिंसात्मक तरीके से चल रहे 1090 दिनों में आंदोलन को ख़त्म कराने के लिए टेंट को हटाने के लिए वहाँ पहुँचे, जिस पर छात्रों ने विवाद हो गया और दोनों में काफ़ी तीखी नोक झोंक हुई। बता दें जिस तरह से फीस वृद्धि को लेकर आंदोलन चल रहा है, ऐसे में आज यहां पर कई प्रदर्शन होने थे, जिसकी सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को मिली, जिसके बाद तत्काल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर व सुरक्षाकर्मी मौके पहुँचे और वहाँ से टेंट और तख्त हटाने लगे, जिसको लेकर छात्रों और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर जहां सुरक्षा कर्मी तख्त और चेयर हटा रहे, जिसको लेकर यहां पर विवाद हुआ, किस तरह से नोकझोंक हुई, आइए दिखाते हैं। ये आपका जो लहजा है वो ठीक नहीं है। नहीं, तुम लहजा नहीं, हमें सिखाओगे? नहीं, नहीं, भाषा का सही इस्तेमाल करो। नहीं तो आप भी हमको नहीं सिखाएंगे। आप भी हमको एक भी आप सब नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी बोल रही इनको नहीं बोल रहा हूँ, भाषा सही इस्तेमाल करो। नहीं, पर्सनल इनको मैं ले ही ना, पर्सनल तो ये मुझे ले रहा है, और पढ़े लिखे की तरह बात करो। नहीं नहीं, पर्सनल तो ये मुझे ले रहा है, ये हमको तुम तुम करेंगे, तुम जब यहाँ काम करोगे तुम तुम करेंगे। नहीं, आप कहें हाथ जोड़ करें आपने। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।